हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं लाइकोपोडियम के मेडिसिन के बारे में। और लाइकोपोडियम मेडिसिन में एक हम पार्ट अलग से जो है शेयर कर चुके हैं, उसमें कुछ माइंड रूबिक्स बताया जा चुका है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से जो है माइंड रूबिक्स हुए थे। तो उसमें जैसे एक माइंडनेस, यील्डिंग डिस्पोजिशन और ये हेल्पलेसनेस फीलिंग, अगर ये तीनों माइंड रूबिक्स एक साथ मिल रहे हैं तो इसमें सिंगल मेडिसिन लाइकोपोडियम आती है। और लाइकोपोडियम देने से बहुत से केस सॉल्व हुए हैं। और लाइकोपोडियम का जो है पेशेंट अगर देखे तो वेरी इंटेलिजेंट होता है और वो फ्लेटरल होना चाहता है और वो फ्लेटरी करता भी है और फ्लेटरल होना चाहता है। जैसे फ्लेटरी करता है मतलब अगर जैसे कोई पेशेंट आता है आपके पास, वो आपकी तारीफ कर रहा है यानी वो आपकी चापलूसी कर रहा है तो ये फ्लेटरी कर रहा है वो। और अगर जैसे कोई भी है, जैसे छोटे बच्चे हैं, अगर मान लो कोई सामान नहीं दे रहे हैं और अगर उनकी थोड़ा सा जो है चापलूसी कर दो कि अरे मेरा बाबू तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छे नेचर का है, बहुत अच्छा है, बहुत गुड बॉय है, इस तरीके से अगर उनकी फ्लेटरी कर दो तो कोई सामान अगर उनसे लेना है तो वो तुरंत दे देंगे। तो इस तरीके से वो फ्लेटर होना चाहता है लाइकोपोडियम की पर्सनैलिटी, और फ्लेटरी होना भी चाहता है और फ्लेटर करता भी है दूसरे को। तो ये दोनों इसमें है लाइकोपोडियम मेडिसिन में। और इसमें फियर भी होता है, फियर काफ़ी होता है यानी फियर ऑफ इंटरिंग रूम में इंटर करने से उसको फियर होता है। और मेन फियर इसमें जो है लाइकोपोडियम के मेडिसिन में अगर देखें तो घोस्ट का फियर होता है, यानी उसको लगता है कि रूम में घोस्ट है, भूत है। उसे कमरे में घुसने से पहले अगर भूत से उसको डर लग रहा है, कमरे में घुसने से भूत से डर लग रहा है तो इसमें जो है लाइकोपोडियम मेडिसिन होती है। और अगर रॉबर्स का डर लगता है, उसको फियर होता है, जैसे बच्चों के केस में अक्सर होता है कि वो कमरे में नहीं जाते हैं, अगर उनसे क्रॉस क्वेश्चन करके पूछिए कि क्या किस चीज़ से डर लगता है तो अगर घोस्ट का डर बता रहे हैं तो वहाँ पे हम लाइकोपोडियम मेडिसिन देते हैं। और अगर वो उन कहते हैं कि हमको डाकू का डर लगता है, डाकू से डर लगता है तो वहाँ पे जो है वो स्टामोनियम मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो इस तरीके से लाइकोपोडियम में काफ़ी फियर होता है। फियर ऑफ मेन का होता है यानी आदमी से ज़्यादा डर होता है, लेडीज का उनको कम फियर होता है, लेकिन आदमी से कोई भी से रिलेशन में अगर वो मेल पर्सन है, मेन है, तो उनसे उनको ज़्यादा फियर होती है। और फियर ऑफ न्यू पर्सन, नए लोगों का उनका फियर बहुत ज़्यादा होता है लाइकोपोडियम मेडिसिन में, नए लोगों का फियर होता है और नई जगह पे जाने का फियर होता है, यानी न्यू चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा फियर होता है। कोई भी नई चीज़ अगर उनको अटेंड करना है या कोई भी नए आदमी से मिलना है तो उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा फियर होती है। और इसमें एक माइंड रूबिक्स हो चुका था, टिमिडिटी हो जाती है, यानी टिमिडिटी होती है, बैसफुल होते हैं यानी एक डरपोक होते हैं, कॉवर्डिस होते हैं। और इसमें जो है ऐसे तो वो टिमिड होते हैं, ग्रुप में जाने पे या किसी के सामने जाने से उनको डर लगता है, लेकिन कभी जैसे कोई स्पीच देना रहता है और कोई भाषण देना है तो वहाँ पे पहले तो वो डरते हैं, लेकिन वो जब अपना काम करना शुरू करते हैं, स्पीच देना शुरू करते हैं तो फिर वो बहुत अच्छी तरीके से भाषण दे ले जाते हैं। इस तरीके से ये जो है ये लाइकोपोडियम मेडिसिन में होती है। लाइकोपोडियम की पर्सनालिटी में क्या होता है, डिक्टेटोरियल होते हैं, बिल्कुल से वो तानाशाही अंदाज में रहना चाहते हैं। और इसमें एक रूब्रिक्स, माइंड रूब्रिक्स है आंसर डिक्टेटोरियल, यानी अगर वो आंसर भी देते हैं, कोई चीज़ उनसे पूछो अगर वो उत्तर भी देते हैं तो वो बिल्कुल से डिक्टेटोरियल अंदाज में देते हैं, यानी ये ऑब्जर्विंग रूब्रिक्स होती है, ऑब्जर्विंग सिम्टम होता है, यानी इस सिम्टम को ऑब्जर्व कर सकता है कि कैसे वो बोल रहा है पेशेंट, कैसे जो है बात कर रहा है, इस तरीके से वो जो है आंसर डिक्टेटोरियल में माइंड रूब्रिक्स है इसमें। इसमें अब आगे हम देखते हैं कि और भी कौन कौन से रूब्रिक्स हैं। तो इसमें जैसे एक रूब्रिक्स है फॉर सेक्स हिज ओन चिल्ड्रेन, फॉर सेक्स मतलब होता है उसको हमेशा के लिए छोड़ देना, हमेशा के लिए त्याग कर देना है, यानी वो अपने बच्चों को हमेशा के लिए छोड़ देता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं अपने बच्चों से नहीं पट रही है, अपने बच्चों से नहीं बन रही है तो वो कहते हैं हमको, आपको हमने हमेशा के लिए छोड़ दिया है, उनको बिल्कुल से छोड़ देते हैं, उसको जो है
याद नहीं करते हैं इस तरीके के, अगर जो है पर्सनालिटी मिलती है कोई भी है कि वो अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपने बच्चों के पास वो नहीं जाना चाहता है, उसको बिल्कुल छोड़ दिया है, तो ऐसे केसेस में ये लाइकोपोडियम मेडिसिन बहुत अकेली होती है। लाइकोपोडियम मेडिसिन अकेली है और इसमें बहुत ही बेस्ट वो काम करती है, कोई भी प्रॉब्लम हो इस तरीके के केस में भी वो अच्छा काम कर जाती है। इसमें एक सिम्टम और होता है इरिटेबिलिटी इन चिल्ड्रेन, बच्चों में इरिटेबिलिटी होती है और वो सारा दिन जो है क्रॉस रहते हैं, क्रॉस ऑल डे एंड गुड और ऑल नाइट, यानी दिन भर तो वो बिल्कुल परेशान करते रहते हैं, चिड़चिड़े बने रहते हैं और क्रॉस रहते हैं, मतलब कि वो परेशान करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, लेकिन रात में जो है वो अच्छे रहते हैं, रात में उनको नींद आ जाती है। या बहुत सी लेडीज कंप्लेन करती हैं कि ये बच्चा जो है मेरा रात भर तो सोता है लेकिन दिन में बहुत परेशान करता है, दिन में रोता रहता है, चिड़चिड़ बना रहता है, तो यहाँ पे ये लाइकोपोडियम मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। काफ़ी केसेस ऐसी इस सिम्टम के आधार पे देख के सही किए गए हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसमें होता है इरेटिबिलिटी सीक्वेन, तो इरेटिबिलिटी सीक्वेन में और इरेटिबिलिटी चिल्ड्रेन क्रॉस ऑल डे और गुड ऑल नाइट, इसमें भी अकेली मेडिसिन है। इन दोनों सिम्टम में माइंड ओब्रिक्स में लाइकोपोडियम अकेली मेडिसिन है, तो अकेली मेडिसिन है तो यहाँ पे लाइकोपोडियम भी बहुत अच्छा काम करती है। इसमें अगर अगले सिम्टम की रूब्रिस की बात करें माइंड रूब्रिस की, तो लेमेंटिंग फ्यूचर अबाउट, यानी फ्यूचर के बारे में ये जो है भविष्य के बारे में लेमेंट करता रहता है। लेमेंट के मतलब ये होता है कि वो जो है अपने परेशानी की या जो उसकी कंप्लेन है वो सबसे बताता फिरेगा, सबसे गाता फिरेगा, यानी जो उसकी कंप्लेंट है, जो उसकी प्रॉब्लम है वो सबसे बताता फिरता है। छोटे बड़े कोई भी मिलता है, जो भी मिलता है वो अपने परेशानी की जो है कहानी सुनाता रहता है, तो ये लेमेंटिंग होता है, यानी जो उसकी ग्रीफ है, जो दुख है वो एक दूसरे से नहीं बल्कि जो सबसे बताता रहता है, जो भी उसको मिलता है, जो भी उसके मिलने जुलने वाले आते हैं तो उसको बताता है। और कंप्लेनिंग में क्या होता है, कंप्लेनिंग में ये जिससे वो कंप्लेनिंग में क्या होता है कि वो उसी को बताएगा जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी है, यानी एक मेन अथॉरिटी को बताता है। लेकिन लेमेंटिंग के केस में वो जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो सबसे बताता रहेगा, अपनी कहानी जो है सबको सुनाता रहेगा, तो इस तरीके से ये लेमेंटिंग होती है। तो लेमेंटिंग अबाउट फ्यूचर, यानी अपने भविष्य की प्रॉब्लम, अपने भविष्य की जो बारे में भी अपने जो भी बातें रहती है वो सबको बताता रहता है, सबसे शेयर करता रहता है, तो ये लेमेंटिंग होती है। लाइकोपोडियम में अब एक और माइंड रूब्रिक्स देखते हैं, लाफिंग। लाफिंग में कई माइंड रूब्रिक्स है, तो लाफिंग इनवॉलेंट्री, यानी ये जहाँ पे जरूरत नहीं होती वहाँ पे भी ये हंसता है, कोई जरूरत नहीं है फिर भी वो हंस देता है, तो लाफिंग इनवॉलेंट्री और लाफिंग जॉयलेस। लाफिंग जॉयलेस में लाइकोपोडियम अकेली मेडिसिन है, यानी जहाँ पे नीड नहीं है, जहाँ पे कोई जॉय नहीं है, आनंद नहीं है, वहाँ पे भी ये हंस देता है, तो लाफिंग जॉयलेस में ये लाइकोपोडियम अकेली मेडिसिन होती है। और लाफिंग लुक्ड एट मैन, लुक्ड एट मैन के मतलब जब इसकी तरफ देखो तो ये हंस देता है। जैसे मान लो कोई पेशेंट आया डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने उससे पूछना चाहा, उसकी तरफ जब ध्यान दिया या उसकी उससे जरा से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो इतने पे वो हंस देता है। इसमें हंसने की कोई बात रहती नहीं लेकिन इस पर वो हंस देता है। या लाइकोपोडियम के पेशेंट अगर जब डॉक्टर पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है तो वो हंस देता है। तो प्रॉब्लम पूछने पे तो इसे प्रॉब्लम बताना चाहिए लेकिन वो हंसता है, तो इसको हम ले सकते हैं लाफिंग लुक्ड एट मैन, यानी उसकी तरफ उससे प्रॉब्लम पूछने का मतलब हुआ तो उसकी तरफ ध्यान करना, उसके तरफ मुखातिब होना, तो इस पे भी वो हंस देता है। और लाफिंग स्लीप ड्यूरिंग में भी जो है लाइकोपोडियम होती है, यानी सोने के दौरान भी कुछ बच्चे देखो अक्सर या और लोग भी सोने में भी हंस देते हैं, तो अगर ये सिम्टम कई बार आ रहा है या कई दिन से हो रहा है तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। और लाफिंग एंड टिफल्स, यानी छोटी छोटी बात पे ये लाइकोपोडियम का पेशेंट हंस देता है, जहाँ पर जरूरत नहीं रहती वहाँ पे भी हंस देता है।
और लाइकोपोडियम में एक मेंस रूब्रिस होते हैं हार्ड फॉर इंफीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर, यानी अगर छोटे हैं अपने से जूनियर हैं तो उनके प्रति बहुत हार्ड होता है, और अपने से कोई बड़े हैं या अपने से कोई ऊंचे ओहदे वाला है तो उसके प्रति बहुत ही जो है ये सॉफ्ट से बात करते हैं, कायदे से बात करेंगे, लेकिन कोई नीचे रहेगा या अपने से जूनियर रहेंगे तो उसको ये बिल्कुल से झिड़क देते हैं। तो लाइकोपोडियम में एक माइंड रूबिस होती है ऑप्टिमिस्टिक, यानी लाइकोपोडियम पेशेंट बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होता है, आशावादी होता है कि वो प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके अंदर होप रहता है कि हमारी प्रॉब्लम ये ठीक हो जाएगी। वो तो बल्कि इस तरीके से भी बात करता है कि कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो उसकी परेशानी का हल भी हुआ है, उसके लिए दवा बनी है और दवा लेंगे तो ठीक हो जाएगी। तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि जिसकी दवा नहीं हो, जिसको जो ठीक ना हो। तो ये इसको अगर इस तरीके से पेशेंट कोई बात करता है तो इसको हम माइंड ऑफ ब्रिस ऑप्टिमिस्टिक ले सकते हैं। और लाइकोपोडियम कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी फॉर में भी होता है, यानी ये कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, कोई चीज़ को सही से जो है नहीं कैलकुलेट कर पाता है। जैसे मान लो कोई पेशेंट आता है तो कभी कभी अक्सर पेशेंट बताते हैं कि जो है अपनी परेशानी के बारे में कि उनसे पूछो कि आपकी प्रॉब्लम कब से है तो वो जो है क्लियर नहीं बता पाते हैं, कहते हैं हाँ काफ़ी दिन से है, ये क्लियर एक्यूरेट वो नहीं बता पाते हैं कि इतने दिन से है। और लाइकोपोडियम मेडिसिन में एक जो है माइंड रूबिस और होता है फाइनेंस इनएबिलिटी टू मैनेज, यानी पैसे का जो है मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाते हैं, पैसे का मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाते हैं, यानी जो अपने पास उनके पास पैसा है जो खर्च इतना ज़्यादा कर देते हैं कभी कि वो जो है लास्ट में उनका जो है बजट बिगड़ जाता है, यानी वो खुद ही बताते हैं कि हम अपने फाइनेंस के अपने मनी को जो है हम मैनेज नहीं कर पाते हैं कायदे से। तो इसके लिए फाइनेंसेस इनएबिलिटी टू मैनेज, यानी अपने फाइनेंस को मैनेज करने में इनेबल होते हैं, अपने मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो इसमें भी लाइकोपोडियम मेडिसिन होती है। लाइकोपोडियम ऐसे भी टीमिड होता है, कॉवर्डिस होता है, तो ये मैनेज भी नहीं कर पाता है अपने पैसे को। और इसमें एक माइंड रूबिस होती है हाउस कीपिंग वोमेन अनेबल, यानी को और ये रूबिस माइंड रूबिस औरत के केस में मुश्किल लिया जाता है कि जैसे औरतें हैं अपने घर को चला नहीं पाती हैं सही से, जो है वो हाउसकीपिंग नहीं कर पाती हैं, मैनेज नहीं कर पाती हैं। तो अगर इस तरीके से यहाँ तक कि तो एक पेशेंट थी तो उसको कहती थी कि हम शादी नहीं करेंगे क्योंकि हम तो सही से मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, घर को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो शादी ही नहीं करना चाहती थी। तो इस तरीके से अगर जो है हो तो यहाँ पे ये रूब्रिक्स लिया जा सकता है हाउसकीपिंग वोमेन अनेबल टू। और ऑप्टिमिस्टिक होती है, आशावादी होती है, कोई भी कम प्रॉब्लम हो जाती है तो बिल्कुल से उसके अंदर होप रहता है और निराश नहीं होती है। और लाइकोपोडियम की पर्सनालिटी इंटेलिजेंट और ज़्यादा होती है और बूस्टर करता है, बड़ा होने की दिखावा करता है, रिच विशेष टू बी वांट टू रिच, यानी वो जो है कि वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अमीर आदमी है। और हार्ड फॉर इंफीरियर और काइंड फॉर सुपीरियर, ये माइंड रूबिस दो जो है पूरे लाइकोपोडियम में बहुत ही बेस्ट माइंड रूबिस है और इसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। और लाइकोपोडियम की पर्सनालिटी में देखिए तो स्वीट डिजायर ज़्यादा होती है, मीठा खाने की इच्छा ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से ये लाइकोपोडियम के माइंड रूबिस हैं। और आज बस यहीं तक, और आगे फिर हम लाइकोपोडियम के बारे में शेयर करते हैं। ओके।